जय माँ पार्वती, जय भगवान शिव, जय करवा चौथ। माता प्रिय मित्रों, करवा चौथ पर यूं करें, पूजा साथ ही करें, ये उपाय पति पत्नी के रिश्ते में आएगी। खुशहाली करवा चौथ पर पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, पूजा में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, साथ ही जानिए इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए, और साथ ही जानिए कि करवा चौथ के दिन पति को एक चीज जरूर खिला देना। और मित्रों, साथ में करवा चौथ के दिन आपको किन वेस्टर्न को पहनना चाहिए, कौन से कार्य आप भूल कर भी नहीं करनी चाहिए जिससे आपको करवा चौथ का पूरा फल मिल सके। इसलिए प्रिय मित्रों, आज की वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि करवा चौथ के व्रत में आपको क्या करना चाहिए और कौन सा काम आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सभी जानकारी हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताएंगे, इसीलिए आप महायोग टीवी चैनल की वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिए। और माताएं बहनों, आप अपने पति की लंबी आयु के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता पार्वती, जय भगवान शिव, जिससे कि आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर माता रानी की कृपा एवं भगवान शिव की कृपा हमेशा ही आप पर हमेशा बनी रहे। और करवा चौथ से पहले यह कुछ चीज अपने घर पर जरूर ले आनी चाहिए, यानी कि अगर आप यह चीज ले आती हो तो यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। आपकी पति के जीवन में कई नई सफलताएं में प्राप्त कर सकता है अगर सच्ची सुहाग ने यह कुछ सामग्री बाजार से अपने घर पर ले आती है और करवा चौथ के दिन विधि विधान से उनकी पूजा करती है। और तुलसी में आपको कौन सी एक चीज आपको बंद देनी है, यानी कि करवा चौथ के दिन तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना और आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो। ऐसी हमारी कामना है, अपने पति का दीदार करते हुए चांद को देखें और अपनी मनोकामना भी बताएं, तभी तो करवा चौथ का व्रत पूरा होता है और है और अखंड सौभाग्यवती का मिलता है। मां वरदान कार्तिक, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत किया जाता है और चांद देखकर व्रत का पारण किया जाता है। करवा चौथ के इस व्रत को कर्क चतुर्थी या दशरथ चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, महायोग टीवी चैनल की वीडियो को आपने अभी तक लाइक न किया हो तो जरूर कर दें। आज शिव जी, गणेश जी और स्कंद यानी कार्तिकेय के साथ बनी गौरी के चित्र की सभी उपचारों के साथ पूजा की जाती है और चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस साल 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस दिन व्यतिपात योग के साथ कृत्तिका नक्षत्र का संयोग बन रहा है, जो व्रत की महत्ता को अधिक बढ़ा रहा है। ऐसे में चांद की पूजा करना और भी लाभदायक होगा, जिससे व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आइए इस दिन चांद निकलने के समय को जान लेते हैं। करवा चौथ 2024 तिथि कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 19 अक्टूबर 2024 को शाम 6:17 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 20 अक्टूबर को दोपहर 3:47 पर होगा। चांद निकलने का समय, पंचांग के अनुसार करवा चौथ पर पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर शाम 5:46 से शुरू होगा। ये मुहूर्त शाम 7:02 तक रहने वाला है। इस दौरान चांद निकलने का समय शाम 7:44 का है। स्नानादि करने के पश्चात वह संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र आदि सुस्थिर श्री प्राप्त पे करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। 3. पूरे दिन निर्जला रहें। चौथी दीवार पर गैरू से फलक बनाकर पिसे चावलों के घोल से करवा चित्रित करें, इसे वर कहते हैं। चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है। 5. 8 पूरियों की अट्ठावरी बनाएं, हलवा बनाएं, पक्के पकवान बनाएं। 6. पीली मिट्टी से गौरी बनाएं और उनकी गोद में गणेश जी बनाकर बिठाएं। 7. गौरी को लकड़ी के आसन पर बिठाएं, चौक बनाकर आसन को उस पर रखें, गौरी को चुनरी ओढ़ाएं, बिंदी आदि सुहाग सामग्री से गौरी का श्रृंगार करें। 8. जल से भरा हुआ लोटा रखें। 9. वायना भेंट देने के लिए मिट्टी का टोंटीदार करवा लें। करवा में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बुरा भर दें, उसके ऊपर दक्षिणा रखें। 10. रोली से करवा पर स्वस्तिक बनाएं। 11. गौरी गणेश और चित्रित करवा की परंपरा अनुसार पूजा करें, पति की दीर्घायु की कामना करें। 12.
नमः शिवाय सर्वाण्यै सौभाग्यम संतति शुभाम प्रयच्छ भक्ति युक्तानाम नारीणाम हर वल्लभे 13 बिंदी रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहें या सुने 14। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दें। 15 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा या टोंटीदार करवा अलग रख लें। 16 रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओट से उसे देखें और चंद्रमा को अर्थ दें। 17 इसके बाद पति से आशीर्वाद लें, उन्हें भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन कर लें। 18 पूजन के पश्चात आस पड़ोस की महिलाओं को करवा चौथ की बधाई देकर पर्व को संपन्न करें। जानिए करवा चौथ की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, साथ ही पूजा में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आज के दिन भगवान शिव, माता गौरी और गणेश जी की पूजा का विधान है। आज के दिन पूजा के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा के कोने को अच्छे से साफ करके लकड़ी का पाटा रखकर उस पर शिव जी, माँ गौरी और गणेश जी की प्रतिमा, तस्वीर या चित्र रखने चाहिए। बाजार में करवा चौथ की पूजा के लिए कैलेंडर भी मिलते हैं जिस पर सभी देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं। इस प्रकार देवी देवताओं की स्थापना करके पाटे की उत्तर दिशा में एक जल से भरा लोटा या कलश स्थापित करना चाहिए और उसमें थोड़े से चावल डालने चाहिए। अब उस पर रोली, चावल का टीका लगाना चाहिए और लोटे की गर्दन पर मौली बांधनी चाहिए। कुछ लोग कलश के आगे मिट्टी से बनी गौरी जी या सुपारी पर मौली लपेट कर भी रखते हैं। अगर आप सच्ची कृपा करवा चौथ के दिन प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी लिख दीजिए जय मां पार्वती जय भगवान शिव, जिससे कि आपकी मनोकामना माता पार्वती एवं भगवान शब्द पहुंच सके। और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे कि आपको भी लाभ हो सके। इस प्रकार कलश की स्थापना के बाद मां गौरी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें सिंदूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन चीनी से बने करवे का भी पूजा में बहुत महत्व होता है। कुछ लोग मिट्टी से बना करवा भी रख लेते हैं। आज के दिन 4 पूड़ी और 4 लड्डू 3 अलग अलग जगह लेकर एक हिस्से को पानी वाले कलश के ऊपर रख दें, दूसरे हिस्से को मिट्टी या चीनी के करवे पर रखें और तीसरे हिस्से को पूजा के समय महिलाएं अपने साड़ी या चुनरी के पल्ले में बांध लें। कुछ जगहों पर पूड़ी और लड्डू के स्थान पर मीठे पुड़े भी चढ़ाए जाते हैं। आप अपनी परंपरा के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। अब देवी माँ के सामने घी का दीपक जलाएं और उनकी कथा पढ़ें। इस प्रकार पूजा के बाद अपनी साड़ी के पल्ले में रखे प्रसाद और करवे पर रखे प्रसाद को अपने बेटे या अपने पति को खिला दें और कलश पर रखे प्रसाद को गाय को खिला दें। बाकी पानी से भरे कलश को पूजा स्थल पर ही रखा रहने दें। रात को चंद्रोदय होने पर इसी लोटे के जल से चंद्रमा को अर्घ्य दें और घर में जो कुछ भी बना हो उसका भोग लगाएं। इसके बाद व्रत का पारण करें। करवा चौथ के रंग करवा चौथ के उत्सव को सजाने के लिए व्रती महिलाएं विशेष रंगों का उपयोग करती हैं। इस उत्सव के दौरान सभी महिलाएं सिंदूरी, लाल, गुलाबी और हरे रंगों के कपड़े पहनकर खूबसूरती और समृद्धि की प्रतीक्षा करती हैं। कई जगहों पर इसे सभी महिलाओं द्वारा सम्मानित किया जाता है और विभिन्न विशेष उत्सवियों के आयोजन किए जाते हैं। करवा चौथ का व्रत हिंदू संस्कृति में एक महत्वपूर्ण व्रत है जो महिलाओं द्वारा धार्मिक और सामाजिक महत्वपूर्ण रूप से मनाया जाता है। यह व्रत संयम, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है जो नारी शक्ति को सम्मानित करता है और पति की लंबी आयु और सुख शांति की कामना करता है। इस व्रत के दिन महिलाएं धैर्य, सहनशीलता और प्रेम का प्रतीक बनती हैं और पूरे दिन किए गए उपवास के द्वारा भगवान की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस व्रत के उत्सव में आपसी प्रेम और समर्थन के साथ महिलाएं एक दूसरे को बधाई देती हैं और सभी को आपसी मिलन जुलन का आनंद उठाने का मौका मिलता है। इस व्रत के द्वारा महिलाएं अपने पति के साथ प्रेम, समर्थन और संबंधों का महत्व समझती हैं और उन्हें खुशियों से भरा जीवन बिताने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार करवा चौथ व्रत एक धार्मिक, सामाजिक और परंपरागत उत्सव है जो हिंदू समाज में बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है और महिलाओं को शक्ति, सम्मान और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह व्रत संयम, समर्पण और प्रेम का प्रतीक है
और महिलाओं को उनके पति और परिवार के साथ एक सच्चे और समृद्ध जीवन की कामना करने के लिए प्रेरित करता है। मित्रों, आप सभी को हम बता दें, ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी हम हर माता बहन को पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि महायोग टीवी चैनल की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ अर्जित कर सभी इसलिए करवा चौथ व्रत को धार्मिक और सामाजिक महत्व के साथ मनाना चाहिए और इसे समृद्ध और सफलतापूर्वक आचरण करना चाहिए। करवा चौथ पर करें ये उपाय आज के दिन एक कोरा कागज लेकर उस पर लाल पेन से अपना और अपने पति का नाम लिखिए। अब उस कागज के साथ ही 5 कौड़ियां और 5 साबुत हल्दी एक सफेद कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और उसे अपनी अलमारी में रख लें। ऐसा करने से आपको अपने जीवन में सुख सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति होगी। अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए आज के दिन गाय माता को रोली का तिलक लगाएं और उन्हें स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। साथ ही गाय माता को भीगी हुई चने की दाल का भोग लगाएं और हल्दी लगी हुई लाल और सफेद मोती की माला पहनाएं। ऐसा करने से आपके जीवन साथी की उम्र लंबी होगी और आपके जीवन में उनका साथ हमेशा बना रहेगा। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आज के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें, साथ ही देवी मां के मंदिर में श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं और उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। अगर आप अपने रिश्तों में मधुरता लाना चाहते हैं तो आज के दिन तुलसी के पौधे पर चुनरी चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। अगर आप परिवार का प्रेम और सहयोग पाना चाहते हैं तो आज के दिन हल्दी की 5 गांठें लेकर श्री गणेशाय नम मंत्र बोलते हुए श्री गणेश भगवान को अर्पित करें। ये उपाय करने से आपको परिवार का प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप अपने लवमेट के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन शिव जी और माँ गौरी की पूजा करें और अपने लवमेट को लाल रंग का कोई कपड़ा गिफ्ट करें। ऐसा करने से लवमेट के साथ आपके संबंध बेहतर बने रहेंगे। अगर आप अपने जीवन साथी की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन श्री गणेश भगवान को घी और गुद्ध का भोग लगाएं, साथ ही उनके इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है वक्र तुंडाय हूं। इसके अलावा अपने जीवन साथी को 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाएं। ऐसा करने से आपके जीवन साथी की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें धन लाभ होगा। अगर आप अपने मन की किसी विशेष इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो आज के दिन शिव गौरी और गणेश जी की पूजा के समय थोड़ी हल्दी की गांठ को पानी की सहायता से पीस लें और उससे पूजा स्थल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर बची हुई हल्दी से अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपकी मन की इच्छा जल्द ही पूरी होगी। अगर जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का मतभेद चल रहा है तो मतभेद को दूर करने के लिए और आपसी प्यार को बढ़ाने के लिए आज के दिन 11 गोमती चक्र लेकर उन्हें लाल सिंदूर से रंग कर एक डिब्बी में डालकर घर में कहीं छुपा कर रख दें। ये उपाय करने से जल्द ही आपके बीच का मतभेद दूर हो जाएगा और आपके बीच फिर से प्यार स्थापित हो जाएगा। एक गांव में रहने वाली एक सुंदरी और साहूकार परिवार की लड़की नाम था राधिका। उसकी सुंदरता, साहस और विवेक ने गांव के हर नौजवान को मोह लिया था। उसके बड़े भाई के दोस्त अर्जुन ने उसे पहली बार देखते ही उससे प्रेम कर लिया। राधिका और अर्जुन के बीच प्रेम का रिश्ता दिन प्रतिदिन मजबूत होता गया। करवा चौथ के दिन राधिका और अर्जुन ने संघ में उपवास किया। उन्होंने एक दूसरे के लिए व्रत रखने का संकल्प किया और प्रेम और सम्मान से भरी पूजा की। राधिका ने अर्जुन के लिए अपने हाथों से चांदी का करवा चौथ व्रति बनाया और उसे दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और राधिका और अर्जुन का प्रेम और बढ़ता गया। उनके प्रेम का सिलसिला गांव के हर कोने तक फैल गया और लोग उनके द्वारा एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम को देखकर प्रशंसा करते थे। राधिका और अर्जुन के प्रेम का अंजाम हुआ खुशियों से भरा और उन्होंने एक दूसरे के साथ खुशियों और संघर्षों का सामना किया। कहानी 2, साहस और बलिदान की कहानी। प्राचीन काल में एक गांव में एक बहू थी जिसका नाम था ज्योति। वह बहुत सम्मानीय और साहूकार परिवार की थी। उसके पति वीर बहुत धार्मिक और बहादुर थे। एक बार करवा चौथ के दिन
ज्योति का पति वीर विदेश में काम करने के लिए जा रहा था। ज्योति को अपने पति की लंबी आयु के लिए चिंता हुई और उसने व्रत का संकल्प किया कि वह उस वर्ष का सबसे कठिन उपवास रखेगी और पति की रक्षा करने के लिए बलिदान करेगी। करवा चौथ के दिन ज्योति ने पूजा के बाद बिना पानी पिए उपवास रखा और अपने पति की रक्षा के लिए साहस से तैयार हो गई। उसने अपने पति के चित्त में स्थायी स्थान बनाने के लिए एक चींटी के समान उसके साथ रहकर उसकी सहायता की। ज्योति ने अपने बलिदान के साथ अपने पति की रक्षा की और उसकी आयु में वृद्धि के लिए प्रार्थना की। उसके साहस और बलिदान ने देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न किया और ज्योति को उसके पति की आयु में वृद्धि हुई। ज्योति के प्रेम और साहस ने उसे अनमोल बना दिया और उसके पति वीर वापस आकर उसे अपने प्रेम का एहसास दिलाया। कहानी समर्पण की कहानी। एक दिन एक गरीब और साधु आदमी ने अपने पड़ोस में रहने वाली विधवा और दुखी औरत को कुछ खाने के लिए प्रार्थना करते हुए देखा। वह आदमी उस औरत की मदद करने में समर्थ नहीं था, लेकिन उसने उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखने का संकल्प किया। करवा चौथ के दिन वह आदमी ने उस औरत के लिए व्रत रखा और दिन भर उसकी सेवा की। उसने उसे पूजा के लिए तैयार किया और उसके लिए विशेष भोजन बनाया। वह आदमी ने उस औरत की पूजा और भक्ति को देखकर संतुष्टि का अनुभव किया और उसके प्रेम में डूब गया। करवा चौथ के दिन के बाद वह आदमी उस औरत को संपूर्ण जीवन में समर्पित कर दिया और उनका साथ निभाने का वचन दिया। उस औरत के प्रेम और सेवा ने उसके दिल में एक स्थायी स्थान बना लिया और उनका संबंध प्रेम और समर्पण से भर गया। ये थीं कुछ अलग अलग करवा चौथ से जुड़ी कहानियां जो प्रेम, समर्पण, साहस और भक्ति की मिसाल है। करवा चौथ व्रत में महिलाएं उपवास करती हैं और पूजा करके अपने पति की लंबी आयु, सुख, शांति और समृद्धि की कामना करती हैं। यह व्रत प्रेम और परिवार के महत्व को समझाने का एक शानदार तरीका है। शास्त्रों की बात जाने, धर्म के सामने करवा चौथ का व्रत एक ऐसा पर्व है जिसमें भारतीय नारी की अपने पति के प्रति स्नेह तथा उसकी रक्षा की कामना की झलक साफ दिखाई देती है। इस दिन हर सौभाग्यवती स्त्री एक नई दुल्हन की तरह सजी दिखाई देती है। मेहंदी और चूड़ियों का इस दिन विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन हर चूड़ियों की दुकान पर भारी भीड़ जमा रहती है। अखंड सुहाग देने वाला करवा चौथ का व्रत अन्य सभी व्रतों से कठिन है। महायोग टीवी चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें ताकि आपको सभी ज्ञानवर्धक बातों का ज्ञान हो सकेगा। और आधी अधूरी वीडियो भूलकर भी ना देखें, इससे करवा चौथ माता भी क्रोधित हो जाती हैं, क्योंकि इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जल रहने के बाद रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करती हैं। इस बीच दोपहर बाद करवा चौथ की पौराणिक कथा सुनती है, जो कुछ इस प्रकार है। अगर आप माता रानी को मानते हैं, यानी कि मां पार्वती को आप मानते हैं, तो अभी लिख दीजिए जय माता रानी की और इस वीडियो को कम से कम 3 व्यक्तियों तक जरूर शेयर करें, जिससे कि वह भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ लाभ जरूर उठा सके। अगर आप अपने जीवन में किसी महिला को, किसी सुहागिन को अगर आप खुश देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सच्चे हृदय से शेयर जरूर कर दें, यानी कि उन्हें इस वीडियो को जरूर भेजें। महाभारत काल में जब एक समय पांडव अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तप करने चले गए और काफी समय तक नहीं लौटे, तो द्रौपदी चिंता में डूब गई। यानी कि राख का अलग ही एक महत्व माना जाता है, इसलिए आपको इस चीज का बखूबी पालन करना चाहिए और आप भी इस वीडियो से लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसलिए हमने आपको अब सभी ज्ञानवर्धक जानकारी दी है, इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, भारत की हर व्यक्ति तक पहुंच जाए, जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठाएं। और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि होगी आपकी हर मनोकामना अच्छी बन जाओगे। आप एक धनवान व्यक्ति, धन्यवाद व्यक्ति से मतलब है, आपके पति एक समझदार एवं धनवान व्यक्ति बन जाएंगे। बस आपको इन छोटे छोटे से उपाय को जरूर कर लेना है, आपको लाभ ही लाभ होगा। भगवान शिव की असीम कृपा होगी, आप माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी एवं सभी देवी देवताओं की आप पर कृपा होगी, क्योंकि जो रख होती है वह सभी देवी देवताओं से अपना राज्य आशीर्वाद उन्होंने ग्रहण किया हुआ है। यानी कि आप रख का कोई भी प्रयोग करेंगे,
तो वह पलट करके आपको लाखों और करोड़ होना लाभ प्राप्त करवाएगी। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए माता एवं बहनों और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।